हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी विद रेफरेंस टू मैक्स वेबर तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को ब्यूरोक्रेसी वर्ड को कॉइन किया गया था बाय विल्सन डी ने जो कि एक फ्रेंच इकोनोमिस्ट थे और उन्होंने ये शब्द कॉइन किया था सन सेवनटीन में इट मीन्स अ डेस्क इन फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज में ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है या मेज़। Mosca। राइटर्स पर लिखा तो कई राइटर्स ने है बट इट as वेबर एज द फर्स्ट systematically स्टडीड ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ऐसे पहले थिंकर थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी की एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करी थी ब्यूरोक्रेसी हैजू मेनी डेफिनेशन बट मेनली इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट और सोशल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन विदोरिकल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पलेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन ब्यूरोक्रेसी की वैसे तो काफी सारी डेफिनेशन है बट हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंटल सामाजिक या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक हिरॉरिकल ढांचा होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जटिल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं अब हम समझ लेते हैं मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी को जिसे हम मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थियोरी भी बोल सकते हैं सो मैक्स वेबर इज द फर्स्ट थिंकर हु सिस्टमैटिकली स्टार्टेड ब्यूरोक्रेसी वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टमैटिक स्टडी किया था मैक्स वेबर वाज बोर्न इन वेस्टर्न जर्मनी एंड ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग मैक्स वेबर बेसिकली वेस्टर्न जर्मनी में बॉर्न हुए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में लॉ स्टडी किया था एंड उनकी मेजर राइटिंग है द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड Protestant ethic and spirit of capitalism. Weber considered bureaucracy as the basis for an organization which aims for efficiency. Inhone bureaucracy ko aise sangathan ka mana hai, jis sangathan ka aim hota hai, efficiency achieve karna. If an organization follows his bureaucratic principles, it can become the most efficient, rational, and rule based organization. वेबर का मानना था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बन सकती है एक ऐसा संगठन जो रूल्स पर आधारित हो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू हिज आइडियाज ऑन अथॉरिटी उनका जो ब्यूरोक्रेसी का वो उनके अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड है या रिलेटेड है वेबर ने अपने अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट में थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज बताई हैं और हम इन तीनों टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सो so, सबसे पहली टाइप ऑफ अथॉरिटी है ट्रेडिशनल अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है एक ऐसी अथॉरिटी विच इज बेस्ड ऑन कस्टम्स नॉर्म्स एंड यूसेजेस जिसका हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जैसे एक फादर एक हेड ऑफ फ़ैमिली होते हैं उसके बाद आता लीगल रैशनल अथॉरिटी विच इज बेस्ड ऑन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन ये लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन पर आधारित होती है वेबर कंसिडर्स द लीगल अथॉरिटी नॉट ओनली द मोस्ट रैशनल अथॉरिटी बट ऑल्सो द मोस्ट एफिशियंट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी वो लीगल अथॉरिटी को ना ही सिर्फ सबसे रैशनल अथॉरिटी मानते हैं बट ऑल्सो फॉर्म ऑफ अथॉरिटी मानते हैं ही द लीगल रैशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी एज वो इसी लीगल रैशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी को ब्यूरोक्रेसी मानते हैं एंड द स्टाफ अंडर द लीगल रैशनल अथॉरिटी सिस्टम कंसिस्ट द ब्यूरोक्रेसी जो भी स्टाफ इस लीगल रैशनल अथॉरिटी के सिस्टम में कार्य करता है वो वेबर के लिए ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है तो लीगल रैशनल अथॉरिटी के एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पुलिस के पास अथॉरिटी होती है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने की वेबर के ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स इनको हम प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं So, अगर हम इन एलिमेंट्स को समझ लेते हैं तो हम वेबर की पूरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को समझ लेते हैं उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था इन द बुक दियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में और इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक था रूल्स अकॉर्डिंग टू वेबर ऑफिशियल्स मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफिशियल्स को रूल्स फॉलो करने की जरूरत है द रूल्स रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ एन ऑफिस ये रूल्स पूरे ऑफिस का कंडक्ट या आचरण डिसाइड करते हैं वेबर की ब्यूरोक्रेसी को रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी में रूल्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है आपको रूल्स को फॉलो करना ही करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी का इसका सेकेंड फीचर है इनपर्सनैलिटी या न्यूट्रलिटी न्यूट्रेलिटी तो आप समझते ही होंगे कि न्यूट्रल रहना या निष्पक्षता इमपर्सनल का मतलब भी यह होता है कि जो किसी भी व्यक्ति से या पर्सन से संबंध ना रखता हो सो द ऑफिशियल शुड परफॉर्म ड्यूटीज इन एन दूटीज मैनर एक ऑफिशियल जो है वो अपनी ड्यूटी इमपर्सनल वे में परफॉर्म करे एक ऑफिशियल न्यूट्रल होके कार्य करे वो किसी व्यक्ति की साइड ना ले कार्य करते वक्त या उसे फेवर ना करे ऑफिशियल व्यूज आर फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स जो ऑफिशियल के व्यूज हैं, वो किसी भी तरह की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से फ्री हो या किसी भी प्रकार के उसके जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स से फ्री हो बेसिकली वो अपना कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को ना इन्वॉल्व करे एंड द ऑफिशियल शुड स्टे न्यूट्रल उसके बाद आता है रेशनैलिटी रेशनैलिटी होती है तार्किकता डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी पर्सनल फैक्टर्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं डिसीजन रेशनैलिटी या तार्किकता के आधार पर लिए जाते हैं ना कि पर्सनल फैक्टर्स के आधार पर उसके बाद आता है हायराकी सो वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी का नेक्स्ट फीचर है हायराकी जो हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस करते हैं सो आई एम श्योर अब तक आपको पता चल गया होगा हिराकी होता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होना उसे हम कहते हैं हायराकी अकॉर्डिंग टू वेबर एवरी ऑफिस एंड एवरी ऑफिशियल इज अ पार्ट ऑफ हिराकी एंड अंडर दिस सिस्टम द लोअर ऑफिस फंक्शन ऑफिस लोअर ऑफिस हायर ऑफिस के अंडर फंक्शन करता है प्रिंसिपल ऑफ हराकी इन दर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस उन्होंने हायराकी के प्रिंसिपल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था वेबर की ब्यूरोक्रेसी का नेक्स्ट एलिमेंट था सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स पर्सनल मैटर्स को पब्लिक मैटर्स से अलग रखना ऑफिशियल्स कैन नॉट यूज़ देयर ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल एंड्स ऑफिशियल अपनी पोजीशन का फायदा अपने पर्सनल काम के लिए नहीं उठा सकते यहाँ वेबर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ वेबर कहना चाह रहे हैं कि ऑफिशियल को किसी भी तरह का फेवरॉटिज्म या नेपोटिज्म नहीं करना चाहिए किसी भी ऑफिशियल को अपने फेवरेट या अपने नोन को फायदा नहीं देना चाहिए किसी भी तरह का इवन द ऑफिस प्रॉपर्टी इज सेपरेटेड फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफिशियल ऑफिस प्रॉपर्टी को कहीं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना समझ ले ये दोनों अलग हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क एज पर स्पेशलाइजेशन डिविजन ऑफ वर्क आप समझते ही हैं। वर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देना और जो जिस कार्य में स्पेशलाइज हो वो उस कार्य को करे वेबर इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं स्फ़ेयर ऑफ कॉम्पिटेंस इसका मतलब होता है एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस वेबर स्पेशलाइज़ेशन की बजाय स्फ़ेयर ऑफ कॉम्पिटेंस वर्ड का यूज करते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज रिकॉर्डेड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट डिसीजन एंड रूल्स आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को या डिसीजंस को या रूल्स को राइटिंग में रिकॉर्ड करना चाहिए एंड दीस डॉक्यूमेंट्स मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल टू द पीपल इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल बन जाती है लोगों के प्रति एंड आल्सो दीस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ रेडी रेफरेंस फॉर फ्यूचर एक्शन फ्यूचर में अगर हमें कभी कोई एक्शन लेना पड़े तो हम इन फाइल्स को देख सकते हैं रेफरेंस के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑफिशियल को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फाइल उठा के देख सकते हैं कि क्या कभी पास्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था और अगर आया था तो इसको कैसे सोल्व किया गया था तो रेफरेंस के लिए वो इन फाइल्स को देख सकते हैं तो इसलिए सारे एक्ट को डिसीजन को एंड रूल्स को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए सो दैट दे कैन प्रूव टू बी यूजफुल इन फ्यूचर डिसिप्लिन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिसिप्लिन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑफिशियल शुड बी सब्जेक्ट टू ग्रेट डिसिप्लिन ऑफिशियल को भी डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए इन कंडक्टिंग कार्य करने में क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स एक इम्प्लॉय का सिलेक्शन या ऑफिशियल का सिलेक्शन किस बेस पर होना चाहिए उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या स्किल्स के बेसिस पर एज वेल एज जो प्रमोशन होना चाहिए वो किस बेस पर होना चाहिए सीनियोरिटी के बेस पर या मेरिट के बेसिस पर सो so, ये थे एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी मेनली एम्फोसाइज करते हैं हेराकी पर रूल्स एंड रेगुलेशन पर न्यूट्रैलिटी मेंटेन करने पर अनबायस्ड होके काम करने पर एंड दे ऑल्सो फोकस ऑन डिविजन ऑफ वर्क मेंपिंग रिकॉर्ड ऑफ द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेबर so के अनुसार ये एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के अगर एक ब्यूरोक्रेसी में ये प्रिंसिपल्स हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी वो ब्यूरोक्रेसी बेस्ट ब्यूरोक्रेसी होगी ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर बाय ब्यूरोक्रेसी वेबर सजेस्टेड सर्टन मैकेजम्स ब्यूरोक्रेसी में पावर का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए वेबर ने कुछ सजेस्ट किए थे इन्हें हम एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स भी बोल सकते हैं जो उन्होंने सजेस्ट करी थी ताकि ब्यूरोक्रेसी पर एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल हो सके और वो पावर का मिसयूज़ ना कर सके सो so, ऐसा पहला मैकेनिज्म था कॉलिजियालिटी कोलिजियालिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग बाय मोर देन वन पर्सन डिसीजन मेकिंग में एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए इससे पावर का मिसयूज नहीं हो सकता नेक्स्ट मैकेनिज्म सजेस्टेड बाय वेबर विद पावर पावर्स का बंटवारा डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन टू और मोर बॉडीज पावर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी को फंक्शन को दो या दो से ज्यादा बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना या डिवाइड कर देना जैसे यूएसए में भी सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है जुडिशरी के पास अलग पावर है सो दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर इससे कोई एक पर्टिकुलर बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती सो so, ब्यूरोक्रेसी में भी सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए नेक्स्ट मैकेनिज्म जो कि सजेस्ट किया गया था वेबर द्वारा वो था एमेटर एडमिनिस्ट्रेशन एमेटर का मतलब यहां पर है अनुभवहीन वेबर का मानना था दैट देर शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय अनपेड वर्कर्स आर नॉट प्रोफेशनल्स उनका मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एमट को भी इंक्लूड कर देना चाहिए यानी कि कुछ अनुभवहीन व्यक्तियों को भी इंक्लूड कर देना चाहिए जो कि प्रोफेशनल्स नहीं होते और ना ही उनको प्रॉपर पे दी जाती है दे आर अनपेड वर्कर्स इससे क्या होता है इससे एक बैलेंस हो जाता है बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड द नॉन प्रोफेशनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इससे क्या होता है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में ना एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द प्रोफेशनल्स एंड द नॉन प्रोफेशनल्स और वेबर का मानना था कि इस बैलेंस से क्या होगा कि मिस ऑफ पावर को प्रिवेंट किया जा सकेगा उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट मैकेनिज्म सजेस्ट किया था वो पीपल था इस मैकेनिज्म या एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक के तहत ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होंगे किसको लोगों की एक असेंबली को सो so, इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स अकाउंटेबल होंगे टू द पीपल लोगों के प्रति वो अकाउंटेबल हो जाएंगे और वो पावर का मिस नहीं कर पाएंगे वेबर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ प्रोविजंस भी होंगे जैसे शॉर्ट टर्म ऑफ उफ ऑफिस उफ ब्यूरोक्रेट्स को शॉर्ट टर्म के लिए ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा एंड परमानेंट पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉल अगर ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स अच्छे तरीके से काम नहीं करते तो उनको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा

थ्रू इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव बॉडीज लाइक पार्लियामेंट और असेंबली पार्लियामेंट या कंट्रोल करती थी और अकॉर्डिंग टू वेबर रेप्रेजेंटेशन वॉज द बेस्ट चेक ऑन ब्यूरोक्रेसी वेबर का मानना था कि ये जो फिफ्थ वाला मैकेजम है रेप्रेजेंटेशन का ये बेस्ट तरीके का चेक है ऑन ब्यूरोक्रेसी वेबर के ऑफ ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया गया था और इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म था टू मच ऑन रूल्स रूल्स बॉट रेड टेपिज्म वेबर का मॉडल पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता था लेकिन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब रूल्स पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है तो उससे क्या आता है रेड टेपिज्म जिसे कहते हैं लाल फीताशाही तो इस प्रोसेस से अननेसेसरी डीले आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में

इनफॉर्मल ग्रुप्स की भी वेबर की ब्यूरोक्रेसी में अनदेखी की गई रॉबर्ट प्रेस्टिस बिलीव दैट दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग एज इट इज इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न कल्चर रॉबर्ट प्रेस्टिस का मानना था कि ये मॉडल जो है वो डेवलपिंग नेशन के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि ये मॉडल इंस्पायर्ड है वेस्टर्न कल्चर से फिर साइमन एंड मार्च ने भी क्रिटिसाइज करते हुए इस थियोरी को बोला दैट वेबर इग्नोर द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन

हम क्लासिकल थियोरी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वो थियोरी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा फोकस करती थी बजाय कि ह्यूमन एस्पेक्ट पर फोकस करने के और इसी वजह से उसको भी मैकेनिकल थियोरी बोला जाता था सो so, जो वेबर का कॉन्सेप्ट है ऑफ ब्यूरोक्रेसी का ये भी एक मैकेनिकल थियोरी की ही तरह है क्योंकि ये इंसान को एक मशीन मानता है और सिर्फ फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर वेबर समझते थे कि एक ह्यूमन को निष्पक्ष होकर न्यूट्रल होकर कार्य करना चाहिए बट एट टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं होता है हर समय neutral होकर कार्य कर पाना. की so की की इस concept में में अनदेखी गई. So ये था Weber's concept of bureaucracy. आज की में इतना ही प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच आपका दिन शुभ हो